अगर कोई जानना चाहता है कि उसका अमल कबूल है, उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल है, पांच निशानियां उसे याद रहनी चाहिए। इन्ना लिलहसन ज़ियान फिल वज्ह, अमल उसका कबूल होता है, अल्लाह उसके चेहरे पे रोशनी और रौनक ले आते हैं। वह नूरन फिल क़ल्ब, उसका दिल मुनव्वर हो जाता है, हर वक्त हशाश बशाश, दुनिया सारी की सारी लुट जाए, उसकी मुस्कुराहटें खत्म नहीं होती। वह कुव्वतन फिल बदन, जब अमल कबूल होता है फिर अल्लाह जिस्म में ताकत देते हैं। वह कमजोर सा इंसान 10 लोगों जितना काम करता नजर आता है। आज इमाम इब्ने तैमिया को देखिए, उसके फतवे की किताब को मेरे जैसे कमजोर उठा नहीं सकता, चे जाए कि उसको पढ़े। मेरे भाई 300 जिल्दों में तफसीर हदाई कजाता बहजा, लिखने वाले भी तो मुसलमान थे, वो भी तो इंसान थे, अल्लाह ने उनके अमाल को कबूल किया और वक्त में बरकत अता कर दी। और चौथी बात, अल्लाह जुल जलाल निशानियां देते हैं जब किसी का अमल कबूल होता है। वह मोहब्बत फी कुलूबिल खल्क, अल्लाह जुल जलाल उसकी मोहब्बत दुनिया के दिलों में पैदा कर देते हैं। और अगर इंसान का अमल कबूल ना हो, उसकी भी पांच निशानियां हैं। इन्नल सैया सवादन फिल वज्ह, उसके चेहरे पे बेरौनकी रहती है, हर वक्त परेशानी, कलत, इस्तराब, यूं लगता है अभी मर जाएगा, सारी दुनिया की नेमतों से मिल जाए, वो रोता ही रहता है, वावेलाई करता रहता है, कभी उसे सुकून नहीं आया। ये निशानी है कि इसके अमाल कबूल नहीं हो। वह ज़ुल्मतन फिल क़ल्ब, इसके दिल में अंधेरे ही अंधेरे, हर वक्त रोना, क्या बनेगा? और मेरे भाई बनेगा वो जो तेरे रब ने लिखा है, वही बनेगा, और क्या बनना है। वह ज़ाफ़न फिल बदन, ये आमाल की कबूलियत ना होने की निशानी है, जिस्म में लागरी, ये उठ की नमाज भी पढ़ने नहीं जाता, जवान है, खून गर्म है, बहादुर भी है, देखने वाला भी इसको अच्छा समझता है, लेकिन इसकी किस्मत में नहीं है कि फजर की नमाज ही जाके बाद जमात पढ़। कितने बच्चे 10 साल इससे भी बहादुर है जो उठ के फजर की नमाज बाद जमात पढ़ते हैं, जिससे सर्दियों में 2.5 किलो का ये लेप, ये रजाई उठाई नहीं जाती, वो कौन सा बहादुर है? ये आमाल कबूलियत ना हो, फिर दिल के अंदर भी अंधेरे होते हैं, जिस्म भी लागर हो जाता है। वह नक्सन फिर रिज़्क़, और उसके रिज़्क़ में अल्लाह कमी कर देते हैं। और पांचवी निशानी, अल्लाह सुजलाल उस बंदे के बारे में दिल में बुग्ज़ पैदा कर देते हैं, लोग उससे नफरत करते हैं।